हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे A.K. रामानुज की बहुत ही फेमस पोयम द स्ट्राइडर्स की। ये 2 स्टैंजा की पोयम है। स्ट्राइडर्स के माने आते हैं कीट के, जो छोटे मोटे मच्छर होते हैं, बड़ी बड़ी टांगे और पानी के बुलबुले की तरह उनकी आंखें होती हैं, और वो इतना हल्का होते हैं कि अगर वो चाहें तो पानी की सतह पर भी बैठ सकते हैं। आसमान से निकलने वाला जो एक रिफ्लेक्शन है उसमें भी वो ठहरने की क्षमता रखते हैं, और सूरज से पड़ने वाली जो किरणें हैं उन पर भी ठहरने की ताकत रखते हैं। इतने हल्के वो होते हैं। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि एंड सर्च, कि अगर तुम उनको तलाश करोगे, है ना, कि अगर तुम स्ट्राइडर्स को तलाश करोगे फॉर सर्टेन थिन, तो निश्चित रूप से तुम पाओगे क्या कि थिन स्टेम्ड के उसके जो हाथ पैर हैं, उसके जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगे हैं, उसके जो दूसरे अंग्स हैं, वो कैसे हैं, थिन, बहुत पतले पतले होते हैं। कि अगर तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे, तो निश्चित रूप से तुम पाओगे थिन स्टेम्ड, बहुत ही जो है कमजोर, पतले दुबले उसके अंग होते हैं। आंखें कैसी हैं, बबल आइड, उसकी आंखें पानी के बुलबुले की तरह, है ना, पानी के बुलबुले की तरह उसकी आंखें हैं। वाटर बग्स, और ये पानी में रहने वाले कीट हैं, है ना, वाटर बग्स पानी में रहने वाले कीट हैं, मच्छर टाइप हैं। सी देम पर्च, या फिर तुम उनको कहाँ देखोगे, सी देम पर्च ऑन ड्राई कैपिलरी लैग्स, वेटलेस ऑन द रिपल स्किन ऑफ अ स्ट्रीम। ये कह रहे हैं एंड सी देम पर्च, पर्च माने आराम करना, या फिर तुम उनको आराम करता हुआ देखोगे। सी देम पर्च, तुम उनको आराम करता हुआ देखोगे ऑन ड्राई कैपिलरी लैग्स, उनकी कैपिलरी यानी बाल की तरह पतली, बहुत ही कमजोर, बहुत ही पतली, बाल की तरह पतली, कैपिलरी माने बाल की तरह। या फिर तुम उनको आराम करते हुए देखोगे ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स, सूखी और बाल की तरह पतली टांगों पर। वेटलेस, जो बिल्कुल वेटलेस है, यानी जिनका कोई भी वजन नहीं है। और ये कहाँ आराम कर रहे होते हैं, ऑन द रिपल स्किन ऑफ अ स्ट्रीम, एक पानी की, यानी स्ट्रीम माने नदी, नदी की जो धाराएं होती हैं, एक नदी की धारा के ऊपर। स्किन माने ऊपर बिल्कुल, है ना, जो ऊपरी सतह होती है उसको स्किन बोला है। कि पानी नदी की जो सतह होती है, पानी के ऊपरी सतह जो होती है, लेयर होती है, उस पर हम उनको आराम करता हुआ पाएंगे। और उनकी टांगे कैसी होती हैं, ड्राई, उनकी टांगे भी भीगी नहीं होती हैं, यानी पानी जो चल रहा है उसके ऊपर वो अपने टांगों को टेक कर इतना बैठ जाते हैं, और इससे इनकी टांगे भी भीग नहीं पाती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखें। नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक इन वाटर, क्या ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट ही पानी पर चले हैं, क्योंकि ये बात मूसा जो है, मोजेस, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने जो मिस्र में एक दरियाए नील है उसके ऊपर वो चले हैं। तो कह रहे हैं कि नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक इन वाटर, कि केवल प्रॉफिट ही पानी पर नहीं चले हैं, ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट ही पानी पर चले हैं, बल्कि बग्स की क्या क्वालिटी उसको बता रहे हैं, कि बग्स सिट्स ऑन अ लैंडस्लाइड ऑफ लाइट। लाइट माने यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं। कह रहे हैं कि जो सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, बग में वो ताकत है कि उन किरणों का जो एक रिफ्लेक्शन होता है, बग उसमें भी बैठ सकती है ना। द बग सिट्स ऑन अ लैंड स्लाइड ऑफ लाइट, लैंड स्लाइड ऑफ लाइट, सूरज से निकलने वाली किरणों में भी एक बग बैठ सकती है। एंड ड्राउन्स आई डीप इनटू इट्स टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई, और ड्राउन यानी वो डुबकी लगा सकती है, एक बग डुबकी लगा सकती है। आई डीप इनटू द टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई, आसमान से निकलने वाला जो एक रिफ्लेक्शन है ना, कि आसमान से निकलने वाला जो एक रिफ्लेक्शन है, ये बग उसमें भी डुबकी लगा सकती है। तो इसमें कहा है सेकंड स्टैंजा में कि केवल प्रॉफिट या पैगंबर ही पानी पर नहीं चले हैं, बल्कि बग, ये एक ऐसी चीज है, इतना वेटलेस कीट है, जो सूरज से निकलने वाले प्रकाश की किरणें हैं ये उनमें भी ठहर सकता है। और इसी तरह से जो आसमान से निकलने वाला रिफ्लेक्शन है ये उसमें भी ठहरने की क्षमता रखता है ना। यानी वहाँ कोई माध्यम भी नहीं होता, हालांकि पानी के ऊपर ठहरा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर ठहर सकती हैं, जहाज हो सकता है, ये लकड़ी की कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ माध्यम है तो ये तो कोई बात नहीं हुई, माध्यम पे तो ठहरा जा सकता है, लेकिन सूरज से जो किरणें निकलती हैं उनके बीच में ठहरना,
वहाँ तो कोई माध्यम भी नहीं है। तो ये है जो है थोड़ा ताजुब में डालने वाली बात कि ये बग वहाँ भी ठहर सकता है। और इसी तरह जो आसमान से निकलने वाला जो रिफ्लेक्शन है, जिसको हम पानी में देख सकते हैं, समुन्दर में देख सकते हैं, वहाँ भी उस रिफ्लेक्शन में भी चूंकि कोई माध्यम नहीं होता ठहरने का, लेकिन ये जो कीट है, ये जो बग है, ये वहाँ भी यहाँ वहाँ पर भी ठहरने की क्षमता रखता है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।